सब्सक्राइब कीजिए SS इलेक्ट्रिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नोयन और आप देख रहे हैं SS इलेक्ट्रिकल। आज जो है हम मैनुअल स्टेबिलाईजर का जो है DPDT की जगह टू वे स्विच के कनेक्शन जो है सीखेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं स्टेबिलाईजर के बारे में, जो है मैंने एक और वीडियो बनाया था जो है इसका रोटरी कनेक्शन। अगर आपको रोटरी कनेक्शन करना नहीं आता तो उस वीडियो को अभी मैं आई कार्ड में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है देख लीजिए ताकि आपको रोटरी कनेक्शन करने में आसानी हो। तो ये जो है हमारा प्राइमरी कॉइल है और ये सिंगल जो लूप है, ये हमारा है न्यूट्रल और हम जो है यहाँ से जो है पॉजिटिव कनेक्शन को लेते हैं, यानी कि फेज के कनेक्शन को लेते हैं। तो आपको पता दे इससे पहले मैंने DPDT का कनेक्शन किया था, वो भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो अभी आई कार्ड में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो रोटरी में बीज वाला प्रॉप है जो लिखा हुआ है P लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको वहाँ पे जो है इनपुट लाइन का कनेक्शन करना है, फेज कनेक्शन। और यहाँ के जो यहाँ पे एक नंबर पिन है रोटरी कनेक्शन में, और जो 8 नंबर पिन के लिए जो कनेक्शन गया है यहाँ पे दो तार सोल्डरिंग करके, वो जो है आपको टू वे स्विच को कनेक्शन करना है। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ दो तार लेके। तो ऐसे ही मैंने दो तार लिया और अब जो है मैं सोल्डरिंग आयरन से आपको देखना है कौन सा आपका एक नंबर का पिन है वहां पे जो है लगा देना है, और दूसरा वाला जो है आपको 8 नंबर के पिन में लगाना है। ऐसे ही आपको एक नंबर और 8 नंबर पिन के कनेक्शन कर लेना है। और क्या करना है आपको, ये जो दो वायर निकला आपका वो जो है टू वे स्विच के ऊपर में लगा देना है। और अब क्या करना है आपको, इसके बीच वाले से जो कनेक्शन निकला है वो उसको आपको जो है आउटपुट करना है, और इस रोटरी स्विच में जो बीच वाला कनेक्शन है उसको जो है आपको इनपुट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट की जगह जो है हम अपना वोल्टेज मीटर को लगाएंगे और इनपुट के कनेक्शन के लिए जो है हम अपना एक AC कॉट लगाएंगे, ऐसा ही कॉट सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसका एक कनेक्शन जो है हम अंदर लगा देते हैं, और इसका जो और एक तार है उससे हम जो है ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल रहता है वहां के, जिसको हमने न्यूट्रल कनेक्शन बनाया है, इसके कनेक्शन बारे में नहीं जानते तो आपको जो है मैं अभी आई कार्ड में डाल दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए, तो इसका कनेक्शन के बारे में आप जो है जान जाएंगे। तो वहीं पे लगा दिया हमने, और अब क्या करेंगे, इसका मीटर का एक पॉइंट जो है यहाँ पे लगाएंगे न्यूट्रल पे, और दूसरा पॉइंट जो है DPDT के जगह पे जो हमने टू वे स्विच का कनेक्शन किया था वही पे जो है हम लगाएंगे। ये जो है आपका आउटपुट कनेक्शन के लिए बनाया है, यहाँ पे आपका आउटपुट कनेक्शन निकलेगा। ये पे जो है अब हम अपना एनालॉग मीटर वोल्टेज मीटर को जो है कनेक्शन कर रहे हैं। DPDT के जगह जो टू वे स्विच यूज किया है हमने वहीं पे जो है स्विच के कनेक्शन में लगा देंगे। तो अब जो है आपको टेस्टिंग करके हम दिखाते हैं कि वोल्टेज हमारा बढ़ और घट रहा है या नहीं। उसके लिए जो है हमें जो है अपना मेन कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, और इसको जो है रोटरी को धीमे धीमे हम लोग जो है घुमाएंगे, और यहाँ पे जो है वोल्टेज इंक्रीज होगा। अगर DPDT को के जगह जो स्विच लगाया है हमने उसे हम प्रेस करें तो वोल्टेज जो है कम ना या फिर ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। तो अब जो है हम
जो है टेस्टिंग करने वाले हैं। तो हम जो है इसको रोटरी स्विच को जो है घुमाएंगे तो इससे जो है वोल्टेज बढ़ेगा और इस स्विच को जो है प्रेस करने पे वोल्टेज कम होना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तो अगर हमारा जो है काम किया तो इसका मतलब हमारा जो है कनेक्शन हो गया। तो कर लेते हैं टेस्टिंग। तो अब जो है हम अपने सर्किट को जो है टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए जो है हमें अपना मेन कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा और अभी अब ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट दिखा रहा है आपको। तो अब जब हम रोटरी को घुमाएंगे थोड़ा सा तो वोल्टेज को जो है ये देखिए अप हो रहा है। तो अगर ये अप है तो अगर हम इसको प्रेस करें तो ये डाउन होना चाहिए, तभी हमारा जो है टू वे स्विच का कनेक्शन होगा। तो ऐसे जब हम प्रेस करते हैं तो देखिए वोल्टेज 50 के आसपास चले गया और इसे हम जो है इससे बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए ये बढ़ रहा है दोस्तों, 150 के करीब, 110 के करीब आ गया। अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो वोल्टेज जो है डिस्प्ले में 300 के पार चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों 300 के पार चला गया। इसका मतलब जो है हमारा ये डीपीडीटी के जगह टू वे स्विच का कनेक्शन जो है काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ टू वे स्विच को कनेक्शन करने के लिए रोटरी का 1 नंबर और 8 नंबर पिन का कनेक्शन जो है यहाँ पे दे देना है और जो है रोटरी के बीच में से जो है इनपुट घुसेगा ट्रांसफार्मर में और यहाँ पे जो है आपको जो मिलेगा वो आपका आउटपुट होगा। तो कैसा लगा है मेरे वीडियो, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।